सारे जगत को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य नारायण आपके अष्टम भाव पर अपने ही मूल त्रिकोण राशि सिंह पर गोचर कर रहे हैं 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक। वास्तव में देखा जाए तो अष्टम भाव हमारी बाधाओं का होता है, हमारी रुकावटों का होता है, परंतु भूलना नहीं है यही वो स्थान है जो हमारे जीवन में शायद कुछ परिवर्तन करा जाए। क्या परिवर्तन होगा और क्या क्या इनका फल मिलेगा, नक्षत्रों के द्वारा भी हम इसे जान पाएंगे कि सूक्ष्म रूप से भी इसे समझ पाएंगे कि नक्षत्रों का प्रतिफल भी क्या होगा। ध्यान दीजिएगा कि मकर राशि के जो स्वामी बन जाते हैं स्वयं शनिदेव होते हैं, जो कि दंड नायक और हमारे कर्मों के विधायक माने गए हैं। ये शनि देवता जब इन्होंने डिपार्टमेंट बांटा तो धन का डिपार्टमेंट तो अपने पास रखा, लेकिन अष्टम भाव का डिपार्टमेंट अपने पिता सूर्य को दे दिया। क्यों? क्योंकि शनि और सूर्य की आपस में मित्रता नहीं है, दोनों आपस में शत्रु माने गए हैं। सूर्य देवता पूरे एक साल बाद आपके अष्टम भाव पर आ रहे हैं। सूर्य देवता का जो ट्रांजिट होता है एक राशि पर वो लगभग एक महीने का होता है। इस प्रकार से ये 70 घूमे और ये 12 राशियां होती हैं, तो एक महीना यदि 12 राशि देखी जाए तो कितना हो गया, एक वर्ष। तो ठीक एक साल बाद आपके अष्टम में आए हैं। अष्टम भाव हमारे जीवन में परिवर्तन का होता है, तो क्या हमारे जीवन में कोई परिवर्तन का माहौल ला पाएंगे, इसी बात को हम समझने वाले हैं। सूर्य भगवान की अपनी राशि है, ये वो भाव उन सबके लिए परिवर्तन कारक होगा, क्योंकि ये वो भाव हो जो है जो हमें रिसर्चर बनाता है, खोज करने की प्रवृत्ति बनाता है। तो इस समय पर आप देखेंगे आप में वो खोज करने की प्रवृत्ति आ जाएगी। माना जाता है कि यदि हमने अपनी समस्याओं को खोज लिया तो वहां से मुक्ति पाने का रास्ता अपने आप निकल करके सामने आ जाता है। इस टाइम पर अपने समस्याओं से निपट पाने के लिए, उससे उबर पाने के लिए आप सबसे ज्यादा रिसर्च करेंगे। जो लोग रिसर्चर ऑलरेडी हैं उनको यहाँ पर अच्छा प्रतिफल मिल सकता है। आप ये मानिए सूर्य स्वयं यहाँ पर अष्टम में आए हुए हैं। सिर्फ यही समझिए कि 17 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक यही सूर्य भगवान मघा नक्षत्र पर होंगे। मघा नक्षत्र वो हो गया जिसके स्वामी बन जाते हैं केतु देव, और केतु कहाँ बैठे हैं, केतु भाई आपके कर्म भाव पर बैठे हैं, आपके कैरियर भाव पर बैठे हैं। इसका मतलब हमारे नक्षत्र ज्योतिष के अनुसार आप समझिएगा कोई ग्रह अपना प्रतिफल अपने नक्षत्रों के अधीन होकर के प्रदान करते हैं। तो उस हिसाब से सूर्य देवता अष्टम भाव के तो रिजल्ट देंगे ही, परिवर्तन कारक रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ ये आपके दशम भाव के भी फल देंगे। दशम भाव जहां पर केतु बैठे हैं, हालांकि सूर्य का केतु के नक्षत्र पे जाना बहुत उत्तम नहीं माना जाता, परंतु इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा कि केतु के पास इस समय पर उनकी डिग्री वाइज उनकी कैपेबिलिटी बहुत कमजोर हो गई है, यही 0 से 6 डिग्री में आ गए हैं, मतलब सूर्य का प्रतिफल भी सर्वाधिक उपयुक्त मिलेगा। कर्म भाव पर केतु देव हैं, तो इस कारण से आपके कर्मों का हिसाब हो सकता है, कर्मों में कोई परिवर्तन हो सकता है। यदि आप कोई कार्य करने का सोच रहे हैं, बस सोच रहे हैं, उसे क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं, तो ये समय है शायद आपके कर्मों के द्वारा परिवर्तन कर दें। अष्टम भाव हमारे कर्म है, अगर कर्म भाव अष्टम भाव हमारे परिवर्तन है, परिवर्तन भाव के स्वामी यदि कर्म भाव पर जाते हैं तो कर्म में परिवर्तन होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। हालांकि ये चीज़ नहीं भूलना है, अष्टम भाव हमारे रुकावट भी होते हैं, तो आपको इस टाइम पर रुकावटें भी दिखेंगी, लेकिन सच्चा अडिग इंसान और अपने लक्ष्य पर सदैव जिसका फोकस होता है उसे कोई हरा नहीं सकता। और यही तो सूर्य है, सूर्य क्या है, तो सूर्य राजा है, तो इस कारण से राजा की पदवी, राजा की उपाधि कहीं ना कहीं आपके कर्तव्यों में आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए काम से आपको पीछे नहीं हटना है, आपका कार्य ही आपको एक समय ऐसा आएगा कि एक ख्याति और सफलता दिला सके, क्योंकि सूर्य स्वयं ख्याति ग्रह माने गए हैं। अब सिर्फ यही नहीं, जैसे ही 31 अगस्त का दिन आएगा, जैसे ही आपके मघ नक्षत्र को छोड़ देंगे और 31 अगस्त को ही ये पूर्वा फाल्गुनी नाम के नक्षत्र पर सूर्य भगवान का गोचर हो जाएगा, जो पूरे के पूरे 14 सितंबर तक रहेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जो अधिपति बनते हैं ये कोई और नहीं, स्वयं शुक्राचार्य जी बनते हैं। और ये शुक्राचार्य जी भाई ये आपके लिए तो सबसे ज्यादा योग कारक हो गए। बाकी सभी ग्रह की स्थिति आपने समझा जाना, लेकिन यदि शुक्र को आपने नहीं समझा तो ये समझिए कि शुक्र आपके जीवन में वो कर्म के देवता है और साथ ही साथ आपके पंचमेश हैं, इसलिए हमेशा के लिए, अभी तो ये गोचर है चलिए, इसके अलावा हमेशा के लिए शुक्र आपके कर्म के नियंता हैं, आपके प्रारब्धों का प्रतिफल देने वाले ग्रह बनते हैं, ये आप समझिए।
सूर्य जब इनके नक्षत्र पर होंगे तो संतान संबंधी चिंताओं से मुक्ति दिला सकते हैं, आपके एजुकेशन में वृद्धि दिला सकते हैं। साथ ही साथ पंचम भाव हमारे मनोरंजन का होता है, तो राजा यदि मनोरंजन भाव को प्रभावित करे तो मनोरंजन भी कैसा होगा, कोई आम नहीं होगा, कोई अच्छे खासे खर्चीले मनोरंजन की स्थिति इस समय पर बन सकती है। पंचम भाव हमारे प्रारब्धों का प्रतिफल दिलाने वाला भाव होता है। अष्टम भाव से जब सूर्य इस नक्षत्र को भी प्रभावित करेंगे, इस हाउस को जब प्रभावित करेंगे, तो जो कार्य हमने कभी सोचा था करने के लिए वो कार्य भी हमारे सामने आ सकते हैं। क्योंकि यही शुक्र इनका डिपार्टमेंट दशम भाव भी है, इस भाव के भी अधिपति बनते हैं, इससे कार्य में आपके करियर में एक प्रकार से अच्छा वातावरण। जो लोग राजनीति में हैं, सूर्य यदि इस नक्षत्र पर हैं, अपने पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर हैं, तो शुक्र के द्वारा आपके दशम भाव का भी प्रतिफल वो दिलाएंगे ना दिलाएंगे। अब जैसे ही 14 सितंबर का डेट आएगा, 14 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक के मध्य में यही सूर्य भगवान उत्तरा फाल्गुनी नाम के नक्षत्र पर चले जाएंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वो नक्षत्र हो गया जो सूर्य की अपना मतलब सूर्य के लिए अपना नक्षत्र है। मतलब एक तरफ तो ये अपनी राशि पर बैठे ही हैं और दूसरे तरफ नक्षत्र के द्वारा भी अपने ऊपर ही सारा कार्यभार ले लिए। इसका मतलब ये वो समय होगा जिस समय पर परिवर्तन ज़्यादा संभव है, लेकिन ध्यान रखना है इस समय पर आपको डिप्रेशन से बचना होगा। अष्टम भाव हमारे डिप्रेशन भी होते हैं, यदि हम वहाँ से उबर गए, वहाँ से निकल गए, तो यकीन मानिए सूर्य भगवान सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन देने वाले ग्रह बनते हैं। सारे जगत को प्रकाशित कौन करते हैं, भगवान सूर्य करते हैं। जब सारे जगत को प्रकाशित करते हैं तो आपके अष्टम भाव पर आकर के आपके जो बाधा है, जो परेशानी है, जो रुकावट है, उसको उनको दूर कैसे नहीं करेंगे। बड़े से बड़े अंधेरे कक्ष में भी यदि एक लाइट जल जाती है तो वहाँ पर उजाला कायम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से बड़े यदि बाधा परेशानी है, स्वयं भगवान सूर्य भैया एक लाइट की तो इतनी पावर है, तो एक सोचिए जो सारे जगत को प्रकाशित कर रहे हैं, उम्मीद है बहुत अच्छा परिवर्तन होगा और आपको लाभ भी इस समय पर होगा। बाकी केतु की स्थिति आपने देखा अनुकूल है, राहु इस समय पर अनुकूल है, सूर्य देवता का साथ कहीं ना कहीं परिवर्तन कारक होगा। ये जानकर के प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान सूर्य को जल देना कभी मत भूलिएगा। भगवान सूर्य हमेशा के लिए आपके लिए यदि कोई प्रॉब्लम को दूर करने वाले कोई ग्रह बनते हैं तो सिर्फ और सिर्फ भगवान सूर्य आपके लिए बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे अष्टमेश हैं, अष्टम भाव पर ही उनका गोचर इस एक महीने में है। तो भगवान सूर्य को जल दीजिए, प्रणाम कीजिए, और ये माना जाता है कि भगवान सूर्य को जल देना, उनको प्रणाम करना सूर्य की कृपा प्राप्ति का सबसे बड़ा सोर्स होता है। आपके घर में जो आपके पिताजी हैं साक्षात भगवान सूर्य नारायण हैं, उनका वंदन कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। सूर्य यदि घर में पिताजी नहीं हैं, पिताजी की मृत्यु हो गई है, उस कंडीशन में जो सूर्य के समान है, अर्थात जो पिता के समान है, जो आपके उच्चाधिकारी हैं, जो शासकीय अधिकारी हैं, ये सब सूर्य को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं, इसलिए उनसे संबंध अच्छा रखिए, उनका मान सम्मान कीजिए। निश्चय मानिए कि ये सूर्य का गोचर कुछ विशेष परिवर्तन लेकर के आपके जीवन पर उपस्थित हो सकता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट ही तो हैं जो हमें बहुत मोटिवेशन प्रदान करते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।